कैसे हैं आप सब लोग तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के पकौड़े तो आपने देख लिया होगा कि मैंने गोभी काट के रख दी है ये मैंने इसी तरीके से काटी है गोभी एक एक फूल जो है ना मैंने इसका तोड़ लिया था और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने तोड़ लिया है और एक मैंने इस तरीके से भी काटी है दोनों साइज़ में मैंने आपको गोभी काट के दिखा दी है कि इस तरीके से आप काट सकते हैं इसको मैंने धो के पानी में डुबो के फिर छान लिया ये है मेरा बेसन जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है अब बेसन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि मैं अपने बेसन में क्या क्या डालने वाली हूँ और स्माइली बनाने का एक ही रीज़न है कि थोड़ा सा मेरा फेस आ गया था तो वो अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे डाल सकते हैं और मैं पकोड़े करारे करने के लिए ना इसमें और कुछ नहीं डालूँगी ये है मेरी मिर्ची जो मैंने इसमें डाली है क्योंकि मेरे को बच्चों को भी खिलाने आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्ची भी काट के ऐड कर सकते हो एज़ योर चॉइस ये मैंने थोड़ी सी हल्दी की है कलर के लिए इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा अमचूर पाउडर अमचूर पाउडर भी इसमें बहुत अच्छा लगता है और नहीं अभी मैंने ऐड करी थोड़ी सी अजवाइन अजवाइन इसमें बहुत अच्छी लगती है गोभी के पकौड़ों में गोभी के परांठों में तो ये मैं इसमें इस तरीके से रगड़ के अपनी अजवाइन भी डाल दूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर अमचूर पाउडर अब ऐड करूँगी तो ये मैंने इसमें अमचूर पाउडर ऐड करने जा रही हूँ और मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाऊंगी कुछ भी इसको करारा करने के लिए ना तो मैं इसके अंदर चावल का आटा मिलाने वाली हूँ ना मैदा मिलाने वाली हूँ ना सूजी सिर्फ़ ये बेसन से ही मेरे पकौड़े क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट गले हुए बिल्कुल ऐसे निकलेंगे मैं मैरिनेट भी नहीं कर रही गोभी को वैसे कर सकते हो ब्लांच भी कर सकते हो हल्दी और नमक के पानी में मैं इसी तरीके से बनाती हूँ तो वो मैंने आपको दिखा दिए हैं तो बस अब मैं इसको घोल लूँगी घोल अच्छा सा एक स्मूथ सा बैटर बना लूँगी धीरे धीरे पानी ऐड करके तो मेरा सेटअप वहाँ नहीं बैठ रहा था तो मैंने इस तरफ में कर दिया कि यहाँ से शायद अच्छा लुक आए तो बस यहाँ पे मैं हल्का हल्का पानी डाल के इसको घोल लूँगी और मुझे समझ में नहीं आ रहा पता नहीं मैंने इसमें इतना बड़ा जग क्यों ले रखा है अपना पूरा पानी का एक ग्लास से भी मैं पानी लेके घोल सकती थी बस हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी सी गलतियाँ वो उस टाइम पर तो आपको समझ में नहीं आता बाद में दिखता है तो मैंने यहाँ पर अपना बैटर बना लिया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें एक भी लम्ब नहीं रहने दिया था मैंने ये इस तरीके से देखिए स्मूथ सा बैटर बना लिया है इतना फाइन सा इस तरीके से एक पेस्ट कह लो बैटर कह लो जो भी है इतना गाढ़ा होना चाहिए आपका और यहाँ पर मेरे तेल जो है वो गर्म हो रहा है ऑयल तो गर्म होने के बाद मैं इसके अंदर अपनी गोबियाँ बैटर के अंदर एक एक करके इस तरीके से डाल दूंगी जैसे आपको नज़र आ रहा होगा और उसके बाद मैं इसी में से गोभी तेल के अंदर डाल दूँगी एक एक फूल उठा उठा के तो अच्छा स्मूथ सा बैटर बनाना है जिसके अंदर ये सा पतला नहीं होना चाहिए आपका बैटर क्योंकि वो फिर अच्छे नहीं लगते पकोड़े और मैं सिर्फ एक ही बार करके निकाल लूँगी इसमें मैं हाफ़ डन नहीं करूँगी मैं एक बार में ही फुल कर लूँगी तो एक एक करके मैं सारे गोभी के पकोड़े ऐसे निकालूँगी देखिए मेरे पक बैटर इतना स्मूद है और इतना पतला नहीं है कि वो बुंदकी बुंदकी सी जो तेल में होती है वो मेरा तेल भी ख़राब कर देती हैं तो इस तरीके का बैटर आपका नहीं होना चाहिए इस तरीके का होना चाहिए जैसे मेरा है और बस एक एक करके सारे पकौड़े मैं इसमें ऐड कर दूँगी जितने गोभी के पीस मेरे इसमें आएंगे, उतने मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी तो यहाँ पे मेरे पकोड़े हो रहे हैं मेरी एक सब्सक्राइबर थी उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करा तो डियर इसमें बहुत टाइम लग जाता है और वो मैंने नहीं करा था मेरे हस्बैंड ने करा था और मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ मुझे खुद भी नहीं पता क्योंकि मेरे को नहीं आता ये चैनल बनाना ये कैसे होता है यहाँ तक कि मैं सिर्फ वॉइस ओवर करती हूँ वीडियो बना देती हूँ एडिटिंग और पब्लिश जो है ना वो अभी तक मेरे को नहीं आई है वो भी मेरे हस्बैंड ही करते हैं तो जिस दिन मुझे सीखना आ जाएगा कैसे करते हैं उस दिन मैं आप लोगों को ज़रूर एक वीडियो बना के बताऊँगी कि किस तरीके से करी जाती है क्योंकि अभी तो मैं खुद बहुत पहाड़ी हूँ मैं क्या सिखाऊँगी आपको आ, बेहतर होगा कि आप हमने भी ना यूट्यूब से देख के ही करा था जब चैनल का करा था तो फिर बुलबुल -बुल ने बहुत हेल्प करी थी मेरे हस्बैंड को पूरा दिन लग गया था वो सुबह से बैठे थे और शाम को सात बजे रोज़ा खोलने से पहले मेरा चैनल बना था तो बहुत टाइम लगा था एक और मैंने मुहर्रम वाले दिन अपना चैनल स्टार्ट करा था मुझे अच्छे से याद है उस दिन मैं शरबत वगैरह बांटने में भी लगी हुई थी खीर शरबत सब कुछ बांटना था मुझे तो हस्बैंड इन कामों में लगे हुए थे मुझे नहीं पता कि कैसे होता है कैसे नहीं होता तो आ, इस चीज़ के लिए मैं आपसे माजरत चाहूँगी और जैसे ही मैं सीख लेती हूँ वैसे ही मैं आपको ज़रूर बताऊँगी मैं पूरा एक्सप्लेन अच्छे से कर सकती हूँ आपको क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं आता तो मैं क्या करूँगी आपको तो बस इस तरीके से मैंने अपने सारे पकौड़े डाल दिए हैं और ये गैस मेरा अभी तेज़ी ही है स्लो नहीं कर रखा मैंने तो अच्छे से पकौड़ों को पकने दीजिएगा उसके बाद इसे टच करिएगा एकदम से फिर इन फे से बेसन छूट जाएगा तो बस ऐसे कर कर के मैंने इसमें पकौड़े डाल दिए थे उधर मेरी चाय बन रही है सो so, आप इन्हें टमाटो सॉस के साथ चटनी के साथ जिस मर्ज़ी के साथ खाओ चाय के साथ हर उसमें अच्छे लगते हैं और गोभी के पकोड़े मेरे और मेरी मम्मा के तो बहुत फेवरेट हैं और हाँ फ्रेंड्स मेरी मम्मा का ऑपरेशन हो चुका है अलहमदुल्ला ठीक हुआ है तो बस मम्मा को छुट्टी भी दिला के मैं ले आई थी घर पे ये उसी दिन का है जिस दिन मैं मम्मी को छुट्टी दिला के लेकर आई थी तो मुझे लगा चलो टाइम है आज एक वीडियो अपलोड कर देते हैं और अभी मुझे करनी है बहुत सारी तैयारियाँ मुझे जाना है कहीं पर आप लोगों को पता है नहीं पता तो मैं आगे आपको बता दूंगी जैसे जैसे मैं तैयारियाँ करूँगी उस उस हिसाब से, से मैं आपको दिखाते भी रहूँगी लाइफ के अंदर बहुत कुछ करना है और सुबह का टाइम मेरे को नींद बहुत आती है और यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती है तो बस आप लोग ऐसे सर्दी में अच्छे अच्छे से डिशेज बनाइए खाइए अपने घर वालों को खिलाइए और यहाँ पे मैं दूध ले आई हूँ मैं जो हूँ ना दूध स्टोर करके रखती हूँ तो अब ये मेरा कल का दूध था जो मैंने पूरा पका के अच्छे से पूरी राय पूरी रात और पूरा दिन रखा रहा है ये दूध अब मैं इसमें से जो मलाई आएगी वो उतार के इस डब्बे में स्टोर कर देती हूँ तो मैं सात दिन की मलाई इस डब्बे में स्टोर करने के बाद आठवें दिन अपना घी बना लेती हूँ तो ये देखिए इस तरीके से मेरे पकोड़े हो गए हैं तैयार बन के और ये टमाटो सॉस के साथ बड़े ही अच्छे लग रहे थे टेस्टी थे और बहुत क्रिस्पी थे मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा भी नहीं डाला बेकिंग पाउडर भी नहीं डाला है इसी तरीके से मैंने पकोड़े सिंपल बेसन के पकोड़े तैयार करे हैं गोभी के कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं डाली हैं ओ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती थी कितने क्रिस्पी हैं ये क्रिस्पी भी बहुत अच्छे से हैं इसमें आवाज़ आपको तो नहीं आ रही होगी लेकिन मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रही हूँ अब मैं दिखा देती हूँ कि ये कितने अच्छे तरीके से गल गए हैं तो ये देखिए मेरा गोभी जो है वो अंदर से बहुत अच्छे तरीके से गल गया है और यकीन जानिए ये बहुत बहुत बहुत, बहुत लाजवाब बने थे आई होप मैंने आपको अच्छे से रेसिपी दी होगी अब मैं कह रही हूँ मैं आपको खा के भी बता देती हूँ तो ये मैंने खा के भी बताया तो बहुत अच्छा लगा है टेस्टी बने हैं बढ़िया बने हैं आप ज़रूर बनाइएगा अपने घर वालों को खिलाइएगा अपने अपनों को खिलाइएगा और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए ठंड आ चुकी है इनायत को खांसी हो चुकी है मैं उसके लिए आज एक काढ़ा बनाऊंगी जो रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी पता नहीं मैं दोबारा से फिर आपको क्यों दिखा रही हूँ ये ब्रेड पकौड़े तो वहाँ पर मैं बेटी के लिए इनायत ने कहा मामा मुझे ब्रेड पकौड़े खाने तो मैं उसके लिए पकौड़ा ब्रेड काट के उसके बेसन में ही डुबो के सिंपल वाले उसको ब्रेड पकोड़े बना के दे रही हूँ मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ कि देखो जो कि इसमें नज़र नहीं आ रहा है ये मेरे पकोड़े अंदर से भी गल गए हैं अच्छे हैं खाने में बहुत टेस्टी हैं और अपना ध्यान रखिएगा अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा और जो भी कोई गलती हो उसके लिए माफ़ चाहूँगी अल्लाह हाफिज़ और हाँ ये मेरा लुबो है आपको लोगों को कैसा लगा कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करें और शेयर करें और कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती होंगी आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये है बथुआ बाथू भी बोलते हैं इसको और ये है मेरा आटा तो आज हम बनाने जा रहे हैं बथुए के परांठे तो बथुए के परांठे में मैं जो चीज़ें डालती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ प्याज हरी मिर्च अदरक और लहसुन ये सब चीज़ें मैं अपने आटे में मिक्स कर लूंगी ये बथुए के परांठे दो तरीके से बनते हैं पहला तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ दूसरा तरीका मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी तो बस ये मैंने सारी चीजें आटे में मिला ली हैं आटा मेरा बहुत ज्यादा है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अभी सर्दियों में पहली बार शुरू मतलब फर्स्ट है ये सर्दियों के पहले बार पराठे हैं अब जब तो फिर बनता है सबको देना तो बस इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी अपना नमक नमक आप अपना आटे के मुताबिक ही डालिएगा मेरा आटा ज़्यादा था तो मैंने इसमें ढाई चम्मच नमक डाला है आप को देख लेना अगर आपको कम पसंद हो ज़्यादा पसंद हो जो भी है परांठों में नमक तो नॉर्मल अच्छा ही होना चाहिए तो ये है अजवाइन अजवाइन में इसमें काफ़ी सारी डालती हूँ तो बस मैंने उसको ऐसे करके मसल के और इसमें मैंने अपनी अजवाइन शामिल कर दी है सर्दियों में अजवाइन बहुत ज़्यादा खानी चाहिए फ़ायदा करती है ये मैंने बथुआ अच्छे से धो लिया था फिर उसको अच्छे से चॉप कर लिया है वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर मैंने थोड़ी सी मेथी भी डाली है हरी मेथी आपके पास अगर ना हो तो कसूरी मेथी भी आप डाल सकते हो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है तो बस मैंने ये सारी चीज़ें आटे में मिक्स कर दी हैं और ये मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूँगी अपना बेसन तो मेरे को बेसन जितना मैं ऐड कर रही हूँ मैंने डाले हैं बड़े बड़े तीन चम्मच अगर कम लगेंगे तो फिर मैं इसमें और डाल दूंगी मेरे डब्बे में अभी ख़त्म हो गया था तो मैं अभी बकेट में से निकाल के इसके अंदर डाल दूँगी स्टोरेज में से निकाल के ये है मेरा तेल जो कि मैं पकाने के बाद जो पका हुआ ऑयल होता है वो मैं इस बरनी में भर लेती हूँ लोटे में और ये मैंने पका हुआ अपना ऑयल थोड़ा सा डाल दिया इससे पराठे जो है काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं तो अब बस मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बढ़िया सा एक डो तैयार कर लूँगी तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं उसको अच्छे से मिला रही हूँ और एक अच्छा सा आटा ही गूँध लेना है और इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है बस ये सारी चीज़ें काट पीट के इसके अंदर मिला देनी है क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो मैंने काफ़ी सारे पराँठे बनाने थे तो इसलिए मैंने काफ़ी सारा अपना आटा लिया था और उसमें बथुआ मेरा ये जो बथुआ है मेरा ये था मेरा बथुआ आधा किलो आधा किलो मैंने बथुआ यूज़ करा था क्योंकि बथुआ अच्छा लगता है और ये विंटर्स की चीज़ें हैं ये नहीं खाएंगे तो फिर और क्या चीज़ खाएंगे तो बस हमारे यहाँ पर नॉनवेज कम बनता है वेजिटेरियन ज़्यादा बनता है नहीं मैं बहुत जल्द आपको नॉनवेज की भी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो बस ये मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर दी हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से मिला रही थी ये मैंने आटा जो है ना गूंद लिया है आधा आटा मैंने उधर परात में गूंद के रख दिया है आधा आधा करके मिला रही हूँ और अब मैं इसमें गूंद रही हूँ पर अपना आटा जो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बाइंड कर रही हूँ अच्छे से पानी डाल डाल के डाल डाल के जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आपकी बोलते बोलते ना सांस फूल जाती है हाँ वो बोलते बोलते मेरी थोड़ी सी सांस फूल जाती है कोई और इशू नहीं है बस ये है कि हाँ मैं कहीं से आती हूँ तो मेरा सांस थोड़ा सा ना फूल जाता है और काफ़ी सारी जब बातें हो जाती हैं तो भी मेरी सांस फूलने लगती है जब मैं बात ज़्यादा करती हूँ तो अच्छा मैंने कभी नोटिस नहीं करा था ये मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बताया तब मुझे नोटिस हुआ कि अच्छा मैं बोलते बोलते मेरी सांस फूलती है मैंने कभी नोटिस ही नहीं करी ये चीज़ तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने बना दिया है और ये मेरा पहला भी हो चुका था तो मैंने दोनों को मिक्स कर दूँगी एक साथ और अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से ना मक्खियाँ लगा लगा के इसको बहुत चिकना सा आटा बना लूँगी तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मैं जैसे नॉर्मल आटा हम हैं ना रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरीके से करते हैं मेरी स्लैब थोड़ी सी बड़ी है मेरे लिए मेरी हाइट कम है तो मुझे पटरा यूज करना पड़ता है तो मैं पटरा यूज करके ही आटा वटा गूंधती हूँ ईजिली तो वो मैं इस तरीके से मैनेज कर लेती हूँ आई होप आपको मैं सारी रेसिपीज अच्छे से दे पा रही हूँ समझा पा रही हूँ गाइज वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा मेरे से किसी ने पूछा था वॉच टाइम क्या होता है वॉच टाइम होता है कि आप मेरी वीडियो स्किप करके नहीं देख रहे हो कि मेरी तेरह मिनट्स की वीडियो होती हैं दस मिनट की वीडियो होती हैं तो आप उनको शुरू से एंड तक जब देखते हो तो वो कैलकुलेट होता है तो जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर हैं थाउजेंड सब्सक्राइबर पे और वो वॉच टाइम उतना होना चाहिए तब जाके चैनल मोनेटाइज होता है तो मेरा सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं बट वॉच टाइम नहीं बढ़ पा रहा है तो इन आगे वो भी बढ़ जाएगा कोशिश रहेगी और ये अल्फिया जो है ना वो मम्मा मम्मा कर रही हैं अल्फिया को चढ़ गया था फ़ीवर तो हमें दिलानी पड़ी उसको डॉक्टर से मेडिसिन तो ये देखिए मेरा आटा इतना चिकना सा गुंद के हो गया और मैंने बहुत सॉफ्ट सा एक डो तैयार करा है सॉफ्ट आटे के सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे आते हैं टेस्टी टेस्टी पराठे आते हैं और यकीन जानिए पराठे बहुत ही ये भी बनाए थे मैंने इसके साथ बनाई थी चटनी जो कि थी साबुत लाल मिर्च और टमाटर की चटनी मैंने बनाई थी वो रेसिपी भी मैं चटनी की भी आपके साथ शेयर करूंगी दो तीन चटनी की जो मुझे आती है तो मैं आपको बताती थी हूं कि किस तरीके से पराठे मैं बनाती हूँ सिंपल मैं गोल पराठा ही बनाऊंगी इसमें कोई तय वाला कुछ पराठा नहीं बनेगा तो बस ये मैंने आटे के ऊपर ना सरसों का तेल लगा दिया था ताकि मेरा आटा जो है ना सूखे नहीं और मुझे बड़े बड़े पराँठे बनाने होते हैं तो मैं इसलिए बड़ा बड़ा तोड़ रही हूँ तो इस तरीके से हम इसको तोड़ेंगे आराम से और गोल 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 लोई गोल गोल सी बना लेंगे और बस इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ पराठे बना बना के और मैंने सबको ही दिए थे अपने घर भी पहुँचाए थे अपने फ्रेंड्स को भी दिए थे तो बस सबके पास पराँठे पहुँच गए थे अच्छा लगता है कि जब हम कुछ चीज़ बनाते हैं तो सीज़न की हर जो चीज़ पहली वो बनती है तो वो देते हैं ये ट्रे ट्रेंड है अब है तो है तो मैं करती हूँ तो करती हूँ तो बस ये मैं कर रही हूँ और अभी मुझे करनी है आप लोगों को पता है कि शादी का सीज़न आ चुका है और हमें जाना है शादी में तो उसकी भी मैं करूँगी कल जाऊँगी मैं मार्केट हस्बैंड की छुट्टी लेके तो बस अब हम यहाँ पर अपने मैंने तवा अपना चढ़ा दिया है और वो गर्म हो चुका है मैं यहाँ पर अपने पराठे बेल के आपको दिखा दूँगी ये मैंने तीन पराठे आपको बोल दिया है कि मैं तीन बना के पहले मैं दिखा देती हूँ कि कैसे बनाऊँगी मैं तो बस ये और आप ज़रूर बनाइएगा ये पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं और फ़ायदेमंद तो होते ही हैं बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं अब सर्दियों में यही होता है कभी आलू के पराठे कभी गोभी के कभी मूली के ये सब पराठे चलते रहते हैं और आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे और किसी ने मुझे बताया था कि गोभी के पकोड़े ऐसे नहीं बनते हैं इनको ऐसे करना था वैसे करना था तो जी हाँ बहुत तरीके होते हैं मैंने आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताया था मैंने कब बोला कि ये बहुत हाई फाई तरीका है? मेरे वीडियो में भी था कि बहुत सिंपल से तरीके से मैं गोभी के परांठे बना रही थी गोभी के पकौड़े बना रही थी हाई फाई तरीके से भी मैं आपको बता दूँगी रेसिपी धीरे धीरे सारी रेसिपीज आपके पास पहुँच जाएंगी तो बस ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से पराँठा बेल लिया है मेरा पराँठा काफ़ी अच्छा सा बड़ा सा बिल गया था और इसको आप सूखी सब्जी के साथ भी खा सकते हो आलू मेथी की भुजिया के साथ वैसे तो मैं ज़्यादातर इसके साथ मेथी की भुजिया बनाती हूँ लेकिन आज मैंने चटनी ही बना ली थी क्योंकि मेरे को कुछ और काम भी थे हाँ वहाँ मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धो रही थी तो इसलिए फिर मैंने चटनी के साथ पराठे बना दिए थे मैंने कहा चलो चटनी के साथ ही बना लेते हैं और बस यहाँ पर मैंने ये पका हुआ ऑयल जो है अपना इसी से मैं अपने पराठे सीखूँगी कई बार मैं क्या करती हूँ कि डालडा घी से भी सेक लेती हूँ देसी घी से भी सेक देसी घी से नहीं सेकती मेरे को ना देसी घी के सीखे हुए पराठे अच्छे नहीं लगते उनके ऊपर डाल के खाना अच्छा लगता है जैसे कि ना पराठा बना के जब वो सीख जाता है तो उसके ऊपर रख के खाना अच्छा लगता है यहाँ पर भी मैं यही करूँगी मेरा पराठा अच्छे से पच जाएगा फिर उसको करके तो मैं देसी घी के साथ सर्व करूँगी पराठे अपने ये मेरे पापा के बहुत फेवरेट है बथुए के पराठे और उसके साथ बथुए का रायता उनका बहुत फेवरेट है मेरे बड़े पापा कहते थे कि बथुआ जो होता है वो इतना बढ़िया होता है ना इसको जरूर खाना चाहिए बथुआ जो है ना आपका ब्लड प्योरीफाई करता है तो जिनकी भी स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप बथुआ बहुत यूज़ करिए इस टाइम पे बहुत अच्छा आ रखा है और हो सके तो बथुआ अपने रोज़ाना मील में एक टाइम ज़रूर खाइए चाहे भुजिया बना लीजिए परोटी में मिला के खा लीजिए ये एक तरीके था मैं बथुए के स्टफ़ पराठे भी बनाती हूँ आलू स्टफ़ पराठे वो मैं आपको बहुत जल्दी ही रेसिपी दूँगी उसकी भी जैसे ही मुझे मिलती है मतलब मिलती है क्या मुझे टाइम मिलता है जी अल्फू जो है वो करती है थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई है और अल्फू करती है मम्मा को बहुत सारा परेशान वो हर है मम्मा को अपने पीछे पीछे लगा के रखती है हाँ अभी नहीं बीबी अभी नहीं एक सेकेंड तो बस इस तरीके से मैं परांठों को सेकती हूँ और इससे क्या होता है परांठे अच्छे अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी से बढ़िया से परांठे बन जाते हैं और मेरे घर में सबको बहुत पसंद आए थे परांठे हो ना हो। एक एक मिनट पापा के पास तो बस ये देखिए पराँठा कितने अच्छे तरीके से सीख चुका है मैंने गैस जो है फुल कर रखा है और वो तरीके से ना चिमटे से पकड़ पकड़ के पकड़ पकड़ के पूरे तरीके से अच्छे से सेकती तो ये देखिए यहाँ पर मेरा पराठा अच्छे से सीख रहा है और एक सब्सक्राइबर को बिरयानी की रेसिपी चाहिए चार पांच लोग मुझे बोल चुके हैं बिरयानी मैं आपको दूंगी इन बहुत जल्दी दूंगी लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे को शादी में जाना है तो अभी नहीं मिलेगी बिरयानी आपको मिलेगी थोड़े टाइम बाद ट्वेंटी के बाद मैं आपको बिरयानी की रेसिपी दूँगी क्योंकि अभी पॉसिबल ही नहीं है बिरयानी में लगना क्योंकि मुझे तैयारी करनी है जाने की और आप लोगों को पता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं और आप लोग चलिएगा मेरे साथ सारे जने सफ़र में मैं आपको दिखाऊंगी लेके जाऊंगी अपने साथ और फिर वो सीरीज़ चलेगी एक वीक तक कि मैं कहाँ शादी में गई किसके यहाँ आ गई सबको मालूम ही होगा तो बस ये मेरा पराठा सीख चुका है जो एक्सेस ऑयल होता है वो मैं दूसरे पराठे पर डाल देती हूँ तो बस इस तरीके से मैंने अपने हॉट में रख लिया पराठा सेक के और इसी के ऊपर अब हम देसी घी लगा देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाता है तो सोना मैंने कर दिया है सुहागा भी मैं जरूर करूंगी और बस ये मैं आपको दूसरा परांठा भी बना के दिखा रही हूँ कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कोई रॉकेट साइंस नहीं है परांठे बस ये है कि इसमें कुछ चीज़ें डाल के अच्छे लगते हैं तो मेथी का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा जाता है आप लोग ज़रूर डालिएगा और फ़ायदेमंद तो हो ही जाते हैं ये परांठे तो बस इस तरीके से मैंने अपने दोनों तीनों पराठे बना लिए थे और इंजॉय करा था आप लोग भी बहुत अच्छे से इंजॉय करिए जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि ठंड आ चुकी है और इनायत को खांसी हो रही थी हमने उसको मेडिसिन वगैरह दिला दिया और मैंने काढ़ा भी बनाया था घर के अंदर उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई और किसी दिन मैं वो काढ़ा भी शेयर करूँगी आपके साथ बहुत ही फायदेमंद था वो काढ़ा और बहुत ही अच्छा था तो बस आप लोग उसको बना के प्रिजर्व करके रख सकते हैं जब भी बच्चों बड़ों को वो दो चम्मच देना होता है छोटे बच्चों को दिन में तीन बार देना होता है तो बस इनायत को काढ़ा पी रही हैं और काफ़ी अच्छे से माशाल्लाह से उनकी खांसी जो है हमें काफ़ी आराम है उनको तो इसी तरीके से मैंने अपना दूसरा परांठा भी देखिए सीख लिया है और इनको आप चाय के साथ भी सुबह सुबह नाश्ते में खाओगे ना तो ये तब भी बहुत अच्छे लगते हैं और बस यहाँ पे मेरा दूसरा परांठा भी काफ़ी अच्छे से सीख चुका है और मैं जब आप लोगों से बातें नहीं करती हूँ ना तो मेरे दिमाग में होता है मैं ये बात बोलूँगी वो बात बोलूँगी और जब मैं कैमरे पे वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना तो रेसिपी में मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या बात करनी है आप लोगों से क्या कहना है क्या नहीं कहना मैं सब भूल जाती हूँ फिर तो बस जो दिमाग में आता रहता है रेसिपी को भी देखना होता है फिर आप लोगों से थोड़ी बहुत मैसेज भी पहुँचाने होते हैं आप तक और बस इसी तरीके से लाइफ चलती रहती है और मुझे ध्यान न आता रहता है वो मैं बोलती रहती हूँ तो बस ये देखिए मेरे दोनों परांडे बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं आप लोग ज़रूर बनाइएगा एक बार ज़रूर घर में ट्राई करिएगा मेरे तरीके से ट्राई करिएगा आपको पसंद आएंगे ये और अब इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं सुहागा लगाऊंगी ये देखिए यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया इनके ऊपर देसी घी आप चाहे इसके ऊपर रख के खाएँ या लगा लें हर तरीके से फ़ायदेमंद है और टेस्टफुल है तो ये देखिए ये हमारे पराठे बन के तैयार हो चुके हैं कितने टेस्टी लग रहे हैं कितने यमी दिख रहे हैं खाने में भी बहुत बढ़िया थे तो बस ये हम इसे खाएंगे मैंने बताया था आपको चटनी है लहसुन की और टमाटर की और साबुत लाल मिर्चों की